बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, हमारा लेसन नंबर की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेसन नंबर टू की रीडिंग। तो आज हम ओरल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं रिप वैन विंकल के पार्ट वन। पार्ट वन यहाँ पे मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि हम इसका पार्ट टू भी रीड करने वाले हैं आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज लेक्चर नंबर फोर है हमारा। तो आपने क्या करना है, पेंसिल अपने हाथ में ले लेनी है और बुक पे एक्सरसाइज का पेज ओपन कर लेना है। लेट सपोज कि अगर मैंने किसी क्वेश्चन की तरतीब आगे पीछे कर दी है इन्हीं नोट्स मटेरियल में, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं कि क्वेश्चंस सारे मैंने करवाए हैं, तो आप उसमें टिक कर लीजिएगा जो जो सवाल मैं रीड करती जाऊँ। ठीक है, तो पेंसिल ले लीजिए और साथ में आप टिक भी करते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। Why was Rip liked by the people of the village? गाँव के लोग रिप को क्यों पसंद करते थे? The answer is, people of the village liked Rip because he was always willing to do little jobs for them and willing to run errands. गाँव के लोग रिप को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा तैयार रहता था छोटे मोटे काम करने के लिए उनके, और इसलिए भी तैयार रहता था कि अगर उनके कोई काम बड़े होते जिसमें मुसाफरत होती तो वो भी करने के लिए तैयार रहता था, जिसमें मेहनत और मशक्क़त भी क्यों ना होती। तो तभी गांव वाले रिप को पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। व्हाई वर ही एंड हिज फैमिली वर पुअर? क्यों वो और उसके घर वाले खानदान वाले गरीब थे? रिप की बात हो रही है, वो गरीब क्यों थे? द आंसर इज, Rip and his family were poor because Rip doesn't like to work. He hated hard work. His little farm was badly kept. Weeds grew all over it. Rip और उसके घर वाले गरीब थे क्योंकि Rip को काम करना पसंद नहीं था, वो काम करना पसंद नहीं करता था। He hated hard work. उसे नफरत थी सख्त मेहनत करने से। His little farm, यहाँ तक कि उसका छोटा सा जो खेत था, बस बैडली केप्ट, उसका बुरा हाल था, उसका बुरा हशर था, यहाँ तक के वीड्स ग्रीव ऑल ओवर इट, उस पर घास फूस उग चुके थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थ्री इज, व्हाई डिड रिप यूजुअली डू व्हेन हिज वाइफ स्कॉल्डेड हिम? रिप अमूमन या आमतौर पर क्या करता था जब उसकी बीवी उसे डांटती थी या बुरा भला कहती थी? स्कॉल्डेड का मतलब डांटना भी होता है, बुरा भला कहना मैंने आपको रीडिंग में बताया था, और डांटना भी आप इसको कह सकते हैं। द आंसर इज, व्हेन हिज वाइफ स्कॉल्डेड हिम, जब उसकी बीवी उसे डांटती थी, ही यूजुअली गोज आउट ऑफ हिज होम, वो अमूमन घर से बाहर चला जाता था, एंड स्पेंड सम टाइम आउटसाइड, और कुछ वक्त बाहर गुजारता था। और वो बाहर क्यों गुजारता था? क्योंकि उसकी बीवी का गुस्सा ठंडा हो जाए। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डिड ही स्टे आउट टिल सनसेट? वो शाम तक बाहर क्यों रहा था, या उसने शाम तक बाहर कयाम क्यों किया था? आंसर, वन डे व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, हिज वाइफ स्कॉल्डेड हिम मोर देन शी हैड एवर डन बिफोर, दैट्स व्हाई ही स्टेड आउट टिल सनसेट। एक दिन जब सब कुछ बिगड़ गया और बहुत ही बुरा हुआ, तो उसकी बीवी ने कुछ ज़्यादा ही उसे बुरा भला कहा, देन शी हैड एवर डन बिफोर, जो वो पहले कहती थी उससे ज़्यादा उसे बुरा भला कहा, उसे डांटा, और वो ज़्यादा हो गया कुछ। दैट्स वाई, इसलिए ही स्टेड आउट टिल सनसेट, इस वजह से रिप को अच्छा नहीं लगा और वो शाम तक घर से बाहर रहा, उसने शाम तक घर से बाहर कयाम किया। स्टेड का मतलब रहना या कयाम करना। I hope this answer is clear. Now, question number 5 is, how did Rip came across the strange man? वो कहते हैं कि रिप उस अजनबी आदमी से कैसे मिला? Rip came across the strange little man when he was on his way back to home. Rip उस अजनबी छोटे आदमी से तब मिला जब वो वापस रास्ते में घर आ रहा था, जब वो वापस रास्ते से घर आ रहा था, तो तब उसकी मुलाकात उस छोटे अजीब और अजनबी आदमी से उसकी मुलाकात हुई। तो ये क्वेश्चंस आप मिला लें बुक से, और यही आपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यही आपने तैयार कर लेनी है, और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 जो होगा वो रिप वैन विंकल पार्ट 2 होगा।
कि जब वो गहरी नींद में सो गया, व्हेन ही फेल फास्ट अस्लीप. फास्ट अस्लीप का मतलब वो एक फ्रेज है बच्चों, जिसे मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अपने वर्ड को करेक्ट करना चाहती हूँ. फास्ट अस्लीप फ्रेज है जिसका मतलब है गहरी नींद. जब वो उस ड्रिंक, उस मशरूब को पीने के बाद गहरी नींद में फ़ौरन सो गया, तो उसके बाद क्या हुआ वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. और आपने इसको नोट कर लेना है, और ना कि सिर्फ नोट करना है बल्कि आपने एग्ज़ाम के लिए तैयार भी कर लेना है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.